नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिवाली के दिन आपको क्या करना है, किस तरह पूजा करें और माँ लक्ष्मी को कैसे आप जो है इस दिन अपने घर में आगमन करवाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, दिवाली जो है इस साल 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि जो अमावस्या है वह 31 तारीख और 1 तारीख के बीच में डिवाइड हो रही है। इसी वजह से 31 की रात को ही दिवाली मनाई जाएगी। अमावस्या की रात को दिवाली मनाते हैं, दीप दिए जब जलते हैं वह अमावस्या की रात होती है, इसीलिए अमावस्या की रात को ही दिवाली आप मनाएंगे। इसके बाद आप जब दिवाली मनाएंगे तो आपको माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, स्पेसिफिकली दिवाली वाले दिन आप माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो उन्हें कैसे प्रसन्न करना है, उसके लिए एक छोटी सी पूजा की विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब आप अपने घर में पहले सबसे पहले तैयारी करके दिए रख लें, दिए में सरसों का तेल डालें और फिर उसके बाद अपने घर के बाहर सारे दिए जलाएं, फिर उसके बाद में आप अपने घर में आए, मंदिर का दिया जो है जिसमें एक दिया होगा देसी घी का, एक होगा तिल के तेल का और एक होगा सरसों के तेल का। जो तिल के तेल का दिया है वह रहेगा माँ सरस्वती के लिए, देसी घी का जो दिया है वह रहेगा माँ लक्ष्मी के लिए और जो सरसों का तेल है वह रहेगा माँ काली के लिए। तीनों देवियों के आगे दिया जलाएं, उसके बाद एक चौमुखा दिया ले लें जिसमें आपको चार बातियां लगानी है। यह चार बातियों का मतलब है जो वास्तु के हिसाब से आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है और वेस्ट डायरेक्शन है। इन सब में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका फेम, आपकी आपका जो है कहते हैं ना आपकी अपॉर्चुनिटीज और साथ में आपके कोई भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ना आए, इसलिए ये चार दिए जो है चार बातियों वाला एक दिया आपने जरूर जलाना है। इसके बाद जो भी आपने धनतेरस के दिन चीज़ें ली हैं, अगर आपने सोना लिया है, चांदी लिया है या फिर कोई भी यूटेंसिल आपने लिया है, उसे भी आप अपनी पूजा में ज़रूर रखें। साथ में जब आप पूजा करने लगें तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आरती की थाली में आपने 11 पीली कौड़ियाँ ज़रूर रखनी है। ये जो पीली कौड़ियाँ हैं ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाती हैं। माँ लक्ष्मी को यह पीली कौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, इस वजह से उनको खुश करने के लिए आप 11 पीली कौड़ियाँ रखें। उसके अलावा आप 5 जो है गोमती चक्र रखें, गोमती चक्र रखना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में आप जो भी आपके घर में खजाना, जैसे कि जो आपने सिल्वर खरीदा है या फिर जो भी आपने मेटल खरीदा है उसको ज़रूर रखें। ये सब चीज़ें रख के आप जो है माता की आरती करें, माता गणेश जी की आरती करें, सरस्वती माता की आरती करें, विष्णु भगवान की आरती करें और जिस भी भगवान को आप पूजते हैं या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी आप आरती कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का आप मंत्र कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। इस मंत्र को करने के बाद आप जो है अपने घर के जो दिए आपने जलाए हैं उसके बाद आप अपने मेन गेट के जो आपने दिए जलाए हैं इसके साथ आपने तुलसी पर एक दिया जलाना है। ये दिया आपने ऐसे जलाना है कि जो रात को पूरी रात जलता रहे, इतना आप उसमें तेल डालें ताकि वो पूरी रात जलता रहे। ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे जो है तुलसी जैसे ग्रो होती है, वह एक हर्ब्स भी मानी जाती है, वो औषधि भी मानी जाती है। इसी तरीके से जब हम तुलसी पे दिया जलाते हैं तो वो हमारी हेल्थ को, हमारी वेल्थ को और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर आती है, इसलिए आपको तुलसी पर भी एक दिया ज़रूर जलाना है। देखिए, ये तो हो गई हमारे घर में हमने भगवान की पूजा कर ली, सब कर ली, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको ग्राम देवता को भी ज़रूर पूजना है। जो भी आपके नगर के देवता हैं उनको आपको पूजना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक 5 तरीके की मिठाई का एक डब्बा बनवाएंगे, उस मिठाई को आप अपने हाथ में पकड़ेंगे और अपने इंटेंट ये देंगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर मेरे घर में है तो उसको, ये जब आप ग्राम देवता को आप ये मिठाई देने जाएं तो उस समय ये सब खत्म हो जाए, नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाए। और इसी डिब्बे को लेकर आप अपने घर में, पूरे घर में इसको घुमाकर आप इसको चौराहे पर, जो भी घर के बाहर, आपके घर के बाहर जो भी रोड है जहाँ पर चौराहा है वहाँ पर आप इसको ज़रूर छोड़ के आएंगे। इससे आपके घर की जो भी नेगेटिव या फिर कोई भी घर में नज़र लगी हुई है ये दूर होगी। इसको करके आप वहाँ रख के इसको आप आ सकते हैं वापस, लेकिन आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीछे मुड़कर ना देखें और स्ट्रेट अवे अपने घर पर आ जाएं। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके घर में वेल्थ,
हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी तीनों ही इस दिवाली पर आएगी।